फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरी रसोई चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा, जिसको आप चाय और कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। इसके लिए मुझे चाहिए ये सरसों है होल, द ब्रेड मैंने ऐसे राउंड करके काट लिया है, बेसन है, बॉयल पोटैटो है मैश किया हुआ, ग्रीन चिली है, ऑनियन स्लाइस है, करी लीव्स है और अदरक है, एंड सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और ऑयल लगेगा। सो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये रेडी। इधर मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, अभी इसके बाद मुझे इसमें सरसों डालना है। पहले तो मैंने सरसों डाल दिया, इसके बाद स्लाइस ऑनियन जाएगा, इसको थोड़ा तलना। फ्राई हो गया मेरा, अभी इसमें डालना है ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स एंड चॉप जिंजर। इसको मिलाना है और थोड़ा सा फ्राई कर देना है। अभी इसमें डालना है बॉइल पोटैटो एंड सॉल्ट। अभी इसमें सॉल्ट डालना है मुझे, इसको थोड़ा मिला के। अभी इसमें डालती हूँ मैं सॉल्ट एज पर टेस्ट। अभी इसको मिक्स कर लेना। देखिए मेरा ये रेडी हो गया, अभी गैस को बंद करके इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी। ये है अंदर का स्टफिंग। इसको अभी थोड़ा सॉल्ट देके पतला सा बैटर रेडी कर लेना है। देखिए मेरा बैटर ऐसे रेडी हो गया, अभी ये साइड में रखती हूँ। फिर ये ब्रेड को थोड़ा पानी में सोक करके लेना है मुझे और एक्सेस पानी डाल निकाल देना है। ऐसे करके सोक कर लिया मैंने और एक्सेस पानी ऐसे ऐसे सोक कर लिया। मैंने ऐसे प्रेस कर लिया है, थोड़ा सॉफ्ट कर लिया। अभी इसमें बीच में ये मैंने आलू का ये पोट देना है और इसको एक शेप देना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड या कुछ भी। ऐसे करके मैं से इसके अंदर मुझे ये भर के ऐसे करके फोल्ड करके सेव कर देना है। सो देखिए ये मैंने ऐसे सेव दे दिया है।
अभी इसमें बैटर में डुबो के इसको फ्राई करना है, बाकी का मैं कर लेती हूँ। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे करके मैंने करके लिया है। ये मेरा तेल भी गर्म हो गया है फ्राई। अभी ये बैटर में डिप करके मुझे इसे फ्राई करना है। अभी मुझे इसे डीप करके ऐसे, देखिए मैं डीप कर लेती हूँ अच्छे से। फिर इसको मैं ऑयल में छोड़ दूँगी। ऐसे करके मुझे फ्राई कर लेना है बाकी भी। देखिए मैं इधर वन साइड हो गया, मैं पलट दिया है। ऐसे लाल लाल करके फ्राई कर लेना है और उसके बाद सर्व कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे रेड हो गया। अभी मैं इसको उठा लूँगी और सर्व कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये रेडी हो गया। आप इसको टी और कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हो घर में। और आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और मेरे ये रेसिपी को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी रसोई चैनल। हैव अ गुड डे।